अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम बेकार अशय का इस्तेमाल करके तराजू बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ लिया है, मेरे पास पुट्ठा था, कार्डबोर्ड जिसे कहते हैं उसके लिए। यहाँ पर मेरे कार्डबोर्ड पर ऑलरेडी डिजाइन था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इस तरह की तरफ का इस्तेमाल करके इस पर भी डिजाइन कर सकते हैं। इसको शेप देने के लिए, शक्ल देने के लिए हमारी एक प्लास्टिक के ढक्कन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, धागा, टूथपिक या सुई और कैंची। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कार्डबोर्ड है इसके ऊपर ये प्लास्टिक का ढक्कन रखकर एक गोल शेप देते हैं। मैं इधर साइड से दूंगी क्योंकि इधर साइड थोड़ा सा खाली। आप चाहो तो इससे बड़ा भी शेप ले सकते हो। मेरे पास प्लास्टिक का ढक्कन था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। तो ये इस तरह से हमारा एक गोल बन गया है। अब हम इसे नीटली कट कर लेंगे। ध्यान रखिए, खैंची का इस्तेमाल करते हुए अपने बड़ों की मदद लें या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल करते हुए हमेशा अपने बड़ों की मदद लेनी चाहिए। आप चाहो तो परकर का इस्तेमाल करके भी दायरा बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे दो गोल बनकर तैयार हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस सुई की मदद से इसको तीन या चार तरफ से बारीक बारीक सुराख लगाती हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सुई का इस्तेमाल ध्यान से करें। जहाँ पर मैंने लगाया है एकदम उसके मुखालिफ सिंक में मैं दूसरा सुराख लगाऊंगी। इसी तरह से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, मैंने चार सुराख लगाए हैं, आप चाहो तो तीन भी सुराख लगा सकते हैं। और इसी के ऊपर रखकर मैं नीचे के जो हिस्सा है उसको भी सुराख लगा दूंगी। तो इस तरह से हमने दोनों कार्डबोर्ड में हमारे सुराख लगा लिए हैं। अब हम धागे का इस्तेमाल करेंगे और इन सुराख में धागा पिरोकर जो तराजू के हमारे जंजीरें होती हैं वो बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर धागे को पिरो लिया है। अब मैं एक सुराख में से डालूंगी, हमको इस तरह से इसको बीच में रख कर देखना है कि कोई कमियां ज़्यादा ना हो रहा हो। अगर हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसको फिक्स कर लेंगे। अगर हमारा तराजू कमियां ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक से है ये आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर हिसाब कर लिया है बराबर। लीजिए, मेरा एक पलड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा पलड़ा भी बना लूँगी। तो देखिए बच्चों, मेरा दूसरा भी पलड़ा बनकर तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक टूथपिक कर जोड़ दूंगी। बहुत ही आसान है। तो मैंने टूथपिक पर इस तरह से दोनों पलड़ों को लगा लिया है। अब बीच में मैं एक धागा जोड़ दूंगी।
तो इस तरह से एक धागे को मैं क्लिप क्लिप के बीचों बीच जोड़ दूंगी। तो देखो बच्चों किस तरह से ये तराजू बनकर तैयार है।